हम लोग तो वी आर नॉट एक्सपर्ट के गाने के बारे में, तो दो बातें जो अक्षय के कॉन्फिडेंस जो है वो, और जो एक बार जो मुझको भी सीख ले उसका जो माइक पकड़ने का जो उसका जो ये जो है ना ये प्रैक्टिस से आता है, ऐसे नहीं आप कुछ कर सकते, नहीं प्रैक्टिस से आता है। सेकंड एंट्री में हरकत ली, हाँ बहुत बढ़िया, और ये उसका एक 200 गाने का कार्यक्रम हुआ था पुणे में, 200 गाने कंटिन्यूस, इसमें इसके 3 गाने थे, ये गाना गाया था, इसका एंड जो है जा रहा है।
खुशियाँ चूम लूँ यारो लूँ जरा मर जाऊँ अपने को कम से कम ये पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं एज कम्पेयर टू वहाँ पे, जब वहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिक्स चलती है लेकिन जाने में क्या हर्ज है। मराठी सारी में गया था, मराठी में गए थे ना, अजय अतुल शायद उसमें से नहीं उस टाइम में पहले अच्छा शायद ये था अब्दुल गुप्ते ओके दो राउंड तक गया लेकिन क्लासिकल के बारे में बता दो उसमें पता चलेगा टाइम पे ऐसा बताते हो तो अरे कपड़े वपड़े में कोई बात ठीक है आप अभी सुन रहे थे मिस्टर पारितोष अकोर। ये जो नौजवान लड़का है ये लड़का सातारा से ताल्लुकात रखता है, हालांकि इसकी पैदाइश भी सातारा की है। इसके माँ पिताजी जो है वो भी संगीत में बड़ी रुचि रखते हैं और वो जगह जगह पर अनेक तरह के स्टेज शो करते रहते हैं। उनके मम्मी की आवाज़ तो बहुत ही सुंदर है, तो वो वरदान उनको यूँ समझ जाओ कि उनको मिल चुका है और उनकी आवाज़ भी उतनी मीठी है। आज हम उनसे सुनेंगे कौन सा गाना। भाई आप कौन सा सुना रहे हैं आज? अभी कौन सा सुनाने जा रहे हैं बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल हो ना टाइटल सॉन्ग कोई भी आपके जमाने का गाना सुन रही है। हाँ मोहम्मद रफी का गाना सुनाने जा रहे हैं, बताएंगे वो मोहम्मद दिल थाम के बैठे हो दोस्तों। इन्होंने जो गाना सुनाया बहुत ही सुंदर गाना है, धर्मेंद्र के ऊपर पिक्चराइज हुआ ये गाना है। आपके हसीन रूप पे आज नया नूर है, क्या बात है, क्या बात है। परितोष के लिए बहुत बहुत तालियां हो, गिव हिम बिग हैंड्स। Thank you.
बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, जिसके कोई अल्फाज नहीं, अल्फाज में नहीं कहा जा सकता इस अंदाज में गाना गाया है परितोष जी ने। और ये जो आपकी निगाह ने कहा, जो आपकी निगाह ने कहा जो जरूर है नहीं, एक्चुअली आपकी निगाह है तो कहीं और अभी यहाँ बम्बई की तरफ जाना चाहिए, आपकी आवाज वो है। और आपने बोला कि मेरा दिल मचल गया, नहीं यहाँ सब बैठने वालों का दिल मचल गया, तो गाना कुछ इस तरह था। इसके बाद में आपके सामने आ रही है एक बहुत ही सुंदर आवाज की गायिका ज्योत्सना घोटाले, और वो जो गाना सुना रही है उसके डिटेल्स ब्रेक के बाद। पांडे जी क्या करेंगे, अगले शो में आप ही एंकरिंग करेंगे। नाइस, बहुत अच्छा। एक आज नए टैलेंट की, दो दो नए टैलेंट। हिंदी में ऐसी सिंगर एक एंकरी मैं, लेकिन परितोष जब गा रहा था गाना ना, मुझे सब गग जाए जब पूरा खेगा ना, सबसे बड़ा जो मुझे अच्छा लगा ना, उसकी उनकी माँ के चेहरे के ऊपर जो भाव थे ना, मुझे एक खुशी बोलो, सेटिस्फेक्शन बोलो, जो भी, दैट इज समथिंग विच वो कभी ऐसे आएंगे ही नहीं कभी, दैट वाज वंडरफुल, बहुत बहुत अच्छा लगता है बच्चे की खुशी के बहुत, मैं बोला ना इसके लिए आप यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट, एंड द रियलिटी बहुत बहुत प्यारा है। तो पुराना गाना भी उतना ही अच्छा, मतलब मुझे लगता नहीं कि रफी का गाना कि हम में से कोई इस तरह इतना अच्छा गा पाएगा, कितना अच्छा कंट्रोल, कितना अच्छा सॉफ्टनेस, बिगिनिंग एंडिंग कमिंग, और तभी संगीत है वहाँ, जस्ट प्ले सॉन्ग। तो बहनों और भाइयों, दिल तांग के बैठी है, आपके सामने आ रही है बहुत ही सुंदर आवाज की गाय धनी ज्योत्सना घोटाले, और वो गाना सुनाएंगे आपको मेरे ख्वाबों में जो आए। अभी किसी जमाने में वो पिक्चर का नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लेकिन लोगों को इतना शॉर्टकट पसंद है, उसको DDLJ कर दिया, पता नहीं आगे चल के और क्या क्या शॉर्टकट होते जाएंगे। तो आपके सामने पेश है मिसेस ज्योत्सना घोटाले। Thank you.
वाह 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 वो क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदरता से पेश किया है गाना। लेकिन आप लोग तालियां बजाने में जरा संकोच कर रहे हो, थोड़ा जोर से तालियां हो गया। आपको पता नहीं है ये तालियां जो होती है ना, ये तालियां एक प्रकार का टॉनिक होती है। जैसे टॉनिक मिलने से क्या गिर गया भाई, तालियां गिर गई। अब देखिए एक ट्रेंड ये होता है कि जनरली जब गाना होता है, गाने का प्रोग्राम चलता है, तो पब्लिक में से डिमांड होती है ये गाना गाइए, वो गाना गाइए। लेकिन मैं ये ट्रेंड को बदलना चाहता हूँ। मैं वो ट्रेंड को कुछ इस तरह मोल्ड कर रहा हूँ कि जो एंकर है उसके पसंद का गाना और गायिका गाए। ये ट्रेंड शायद किसी ने नहीं अप्लाई किया होगा। आज मैं पहली बार कर रहा हूँ, इंडिया संगीत के इतिहास में पहली बार होगा कि एंकर फरमाइश कर रहा है और गायिका को गाना पढ़ना है। हालांकि वो गायिका को गाना जानती है, इसके पहले वो गाना गा चुकी है। वो गाना है फिल्म निराला का, ये इस फिल्म का देवानंद के फिल्म का, और गाने के बोल है महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। गाएगी ना ब्रेक के बाद? प्यार से पूछो आप तो डरा रहे हैं। गायिका को आप डरा रहे हैं। घर उनका, माइक उनका, नहीं कैसे करना पड़ेगा। हाँ अच्छा ये अच्छा, आप कोई जानते हैं मांग के साथ है तुम्हारे? हाँ मुझे आता है। तो ठीक है आपके साथ तो हाँ चलेगा। मेरा पेंडिंग गाना बंदे का है गाना, ये क्या आता है? एक ही मराठी गाना आता है। अरे क्या बात है, मराठी गाना चलेगा। एक ही आता है, एक ही आता है, बंदे का है, बंदे का है। ये जो गाना है ना कलेजा, हाँ मतलब समझो ना भावना को समझ गया, बस समझ गया कलेजा को समझ गया। बहुत सुंदर गाना है, आप मलाइका को की आवाज और इनकी आवाज इस गाने में आप देख लीजिए टैलेंट है। अब आपको वापस मौका मिल रहा है, थोड़ा अच्छे से बोलिए गाने के लिए। पहले गुस्से में बोल दिया आपने और एंग्री यंगमैन किसी और को मुझे बोले ये तो मेरा फायदा नहीं है कोई पेपर में आके, कल मैं किसी को दिखा नहीं पाऊंगा। साले तो बोले गुस्सा कर क्या होता था ना, फिर भी जाके मिसप्रिंट हो गया क्या ना, मिसप्रिंट हो सॉफ्ट यार। Thank you.
50s का है, 50s का होगा, 60s का ये 50s का है। अच्छा ब्रेक चल रहा है, ठीक है, पानी से बंद बहुत चलना। देखिए अगर हिंदी साइड का आदमी मराठी गाना गाना चाहे तो क्या गा सकता है? बिल्कुल जरूर गा सकता है, क्योंकि गायक के लिए कोई ये इम्पॉसिबल नहीं है। अपने यहाँ पे लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, इन सब लोगों ने अलग अलग भाषाओं में गाने गाए। तो वैसे हमारे सामने एक सज्जन बैठे हैं जिनका नाम है साकेत कुमार जैन, जो बेसिकली तो जबलपुर से है लेकिन आजकल बम्बई में है, वो यहाँ पे आए हुए है और वो मिसेस प्रिया अघोर के साथ में गाना गा रहे हैं। वो बहुत ही फेमस है अपने महाराष्ट्र में, तो बहुत ही फेमस है, धुंधी कड़ाना धुंधी भुलाना, ये गाना अभी थोड़ी देर में आपके सामने पेश होगा। हेलो, देखिए जैसा कि आप लोगों को कल मैं बता चुका हूँ, मराठी थोड़ी कमजोर है मेरी, तो प्रोनंसिएशन में कुछ दिक्कत जाए तो माफी चाहता हूँ। 5 साल ही हुआ है महाराष्ट्र में आए हुए, आम्ही दोघांनी म्हणले परितोषने तिने पण म्हणले सुरुवात लगेच आहे बोला ना, धुंधी कड़ाना
सहज में छेड़ता
जाने को
वापस से मैं प्रिया जी को बुलाना चाहूंगा कि वो बहुत ही प्यारा सा गाना
जो कि फिल्म एक क्रांति लेके आई थी मेरे हिसाब जितना मुझे नॉलेज है इंडस्ट्री के बारे में। और ये जो फिल्म आई थी नया दौर फिल्म का गाना है और गाने का बहुत ही प्यारा म्यूजिक है मेरे हिसाब से, ओपिनियन साहब ने दिया है ना, क्योंकि उनका वो स्टाइल था कि हर गाने में घोड़ी की ताल वो देते थे। तो दोनों एक्चुअल घोड़े पर तांगे पर एक्चुअल में ये दोनों एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, दोनों अच्छे जी। तो जैसा कि फेमस से कल हमारे शो में भी अनिल चौहान जी का नाम आ गया था है ना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे सारे गानों के लिए वो ट्रैक्स तैयार करते हैं जी। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर मंदिर जी का इसके समझ से। लीजिए पेशेंट, बहुत ही प्यारा गाना।
शागिर्द हम दोनों गाने वाले थे ये। अच्छा अच्छा आपका फेवरेट गाना है मेरा गाना बोलता नहीं आपका है लेकिन मेरा गाना अरे इसमें नहीं हो यूट्यूब में लगे ना कौन सा तुम्हारा ये ना कौन सा मोबाइल कौन सा गाना है वो है हैबिट डालो हैबिट डालो कभी सुनते तो देखो कभी एक बार तो गुजरा तो मेरा क्रेडिट खराब हुआ तो मैडम कुछ दिन तो गई है मेरा गाना के साथ कुछ दिन तो गुजार जब मैं मुंबई में आया था 5 साल पहले तो मुझे मेरा गाना ही पता चला था शूटिंग यूट्यूब से पहले उसके बाद वो तेरा गाना हो गया शूटिंग चालू है एंकर बग गया एंकर गाना डबल काम कर रहा है ना एंकर हमारा एंकर एंकरिंग छोड़ के गा रहा है जस्ट प्ले सॉन्ग को ये कर यस थोड़ा सा बोल दीजिए बोल दीजिए थोड़ा सा ठीक है हो गया एंकर बग गया पैसे नहीं मिले आपको हां बिल्कुल क्या बात है वो तो Thank you.
वो गाना सुनिए जो कई बार सुना है लेकिन फिर भी वो गाना बोर नहीं होता। कौन सा गाना होगा? उन्होंने गेस किया कौन सा ये गाना? मी 15-17 लेडीज बरोबर म्हटलेला आहे जवळपास। नहीं नहीं इसके बाद हमारे डुएट होगा। अच्छा Oh,
ये गाना जो है बहुत सुंदर गाना है। ये गाना फिल्म ममता के लिए हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने गाया है। और ये गाना जो है ना, ये अगर सुनना है तो उसका सही समय है रात को 11:30 के बाद। तो तब तक तो सारे हम लोग चले आएंगे। तो आप ही चाहे कि तब तक नहीं रुक पाएंगे। सुनील दत्त डाउनलोड होत नव्हता यूट्यूब जरी उघडलं तरी यूट्यूब मध्ये मोबाईल चांगला
रिकॉर्डिंग करो साहब ये गाड़ी चल तो ऑडियो करा भले इकडे होता जे कपडे ने रेडी होते हां असे ते तुम्ही वरूनच करा काल तुम्हाला कपडे हो हां हो पकडे है दिलों के कारवां
बढ़ के कोई हाथ ना दे, दिल
थैंक यू। लास्ट सॉन्ग ऑफ दिस एपिसोड हमारा कौन सा थे तो मतलब शान मतलब बने चाहे दुश्मन। अच्छा बने चाहे हमारा तो थे आजकल शान मतलब गाना खूब जब तक ड्यूट आ रहा है यमा से जाएगा क्या करना है यूट्यूब ना वही से बने चाहे क्या बोल रहा ऑटो वाला क्या बोल रहा। हेलो 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 मुकुंद जी हेलो ऑटो वाला सवालों के तक ये कर खाना खा रहा था मैं 12 बजे की ट्रेन से बन रहा था 11 की उसको मैंने ये बता दिया है वो बराबर तुमको लेके जाएंगे तुम ट्रेन के पहले पहुंचते हो 7:30 बजे तक तो छोटा सा गेट टुगेदर हमने किया ये हमारा पुश
प्रोग्राम था सतारा का, ऑल इंडिया ट्रिप हम कर रहे हैं जिसका पहला डेस्टिनेशन हमारा सतारा रहा, और सतारा वालों से जो हमने वादा किया है वो हम निभाएंगे। अगली बार ऐसे ऐसे हम जल्दी आएंगे, और इसी के साथ हम सभी साइनिंग ऑफ लेते हैं। तब तक क्लिक बनी रही है सर्वो म्यूजिक लाइव के साथ।